नमो नमः। अहम गीता नालंदाता द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आज मैं लेकर के हाजिर हूँ सेवन क्लास का कैचअप कोर्स में विषय संस्कृत है और कक्षा सप्तमी अपाठ दूसरा है सरल पद परिचय। इसका नाम ही बहुत अच्छा है सरल पद परिचय। सरल मतलब आसान, पद मतलब संस्कृत में शब्द होते हैं, परिचय यानी सरल आसान शब्दों को सीखेंगे। द्वितीय पाठ शुरू में है गृहोपकरणानि घर की वस्तुएं। यहाँ है लिखा हुआ ऐसा खटवा अस्ति, ऐसा खटवा अस्ति, ऐसा स्त्रीलिंग में खटवा स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में ऐसा स्त्रीलिंग में ऐसा और नपुंसक लिंग में एतत् प्रयोग करते हैं। ऐसा खटवा अस्ति यह खटिया है। कम्बलम उष्णम भवति कम्बल उष्णम भवति कम्बल जो होता है गर्म होता है, भवति मतलब होता है। घटा पुराना अस्ति घड़ा भरा हुआ है। यहाँ देखिए चित्र में सब बच्चों को आसान तरीके से समझाया गया है बहुत ही सरल तरीकों से। यहाँ देखिए ऐसा खटवा अस्ति कम्बलम उष्णम भवति घटा पुराना अस्ति पर्यंक विस्तृत अस्ति पर्यंक पर्यंक मतलब पलंग, पलंग बड़ा है। अयम दर्पण अस्ति यह दर्पण आईना है दर्पण है। वर्तिका प्रज्वलिता अस्ति वर्तिका मोमबत्ती जल जलती है वर्तिका प्रज्वलिता अस्ति। इस तरह से बच्चों को आसान तरीके से बताते हैं ऐसा खटवा अस्ति कम्बलम उष्णम भवति घटा पूर्णा अस्ति पर्यंका विस्तृता अस्ति अयम दर्पणा अस्ति वर्तिका प्रज्वलिता अस्ति। तो यहाँ हम ऐसा स्त्रीलिंग में घटा पुल्लिंग में यहाँ कम्बलम नपुंसक लिंग में तीनों लिंगों का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों को हम आसान तरीके से बता सकते हैं कि ऐसा पुल्लिंग में ऐसा स्त्रीलिंग में और एतत् नपुंसक लिंग में एक वचने प्रयोग होता है। अब आते हैं पशवः यानी पशु। पशवः अश्वः धावति यहाँ देखिए लिखा हुआ अश्वः धावति घोड़ा दौड़ता है। अजा चरति अश्वः पुल्लिंगे अश्वः धावति घोड़ा दौड़ता है। अजा चरति बकरी चरती है अजा स्त्रीलिंगे। गजः विशालः भवति गज विशाल भवति हाथी बड़ा होता है। उष्ट्र मरुस्थलस्य यानमस्ति उष्ट्र मरुस्थलस्य यानमस्ति ऊंट जो होता है मरुस्थल का जहाज कहा जाता है जहाज होता है। कच्छप मंदम चलति कछुआ धीरे चलता है। कुक्कुर भुक्कति कुत्ता भूंकता है कुत्ता भौंकता है। अब आते हैं इसमें देखते हैं पशव में भी अश्व पुल्लिंग अजा स्त्रीलिंगे। तो पशव है प्राणी है तो या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ देखिए पशव अश्व धावती अजा चरती घोड़ा दौड़ता है बकरी चरती है गजा विशाल भवती हाथी विशाल होता है। उष्ट्र मरुस्थल से यानम अस्ति ऊंट जो है मरुस्थल का जहाज है यान है गाड़ी होती है। कछप मंदम चलती कछुआ धीरे चलता है। कुक्कुरा बुक्कति कुत्ता भौंकता है। अब हम आएंगे पक्षिणा पक्षिणा यानी बहुवचने। मयूर नृत्यति मोर नाचता है। कोकिला कूजती कोकिला कूजती कोयल कूजती है। कपोता तिष्ठति कबूतर बैठा है। कुक्कुटा अन्नम खादती कुक्कुटा मुर्गा कुक्कुटी इत्युक्ते मुर्गी तो कुक्कुटा अन्नम खादती। यहाँ देखिए चित्र में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे सुंदर चित्र का वर्णन यहाँ किया गया है ताकि बच्चों को संस्कृत के प्रति आकर्षित किया जा सके और पाठ को रुचिकर बनाया जा सके। तो कुकुटा अन्नम खादती मुर्गा अनाज खाता है।
हंस तड़ागे तरती, हंस जो है तालाब में तैरती है। अब कैचअप कोर्स के अंतर्गत हम आते हैं तो यहाँ सरल पद का जो हम परिचय करवाए हैं तो संस्कृत भाषा के जैसे सीखने के प्रतिफल में आते हैं तो संस्कृत भाषा के कुछ संज्ञा एवं क्रिया बोधक शब्दों को बोल सकते हैं। यहाँ संज्ञा, तो संज्ञा खटवा हो गया, कंबल हो गया, घटा हो गया, पर्यंका हो गया, दर्पणा हो गया, वर्तिका हो गया, ये सब संज्ञा शब्द आ जाते हैं। अब आता है क्रियापद, तो अस्ति, भवति, ये सब जो होते हैं क्रियापद है, प्रज्वलित, प्रज्वलति, ये सब क्रियापद में आते हैं। तो साधारण सा संज्ञा और साधारण सा क्रियापद हम बच्चों को आसानी से इस तरह से बताते हैं। अब है कतिपय संज्ञा एवं क्रिया शब्दों को अर्थ दूसरी भाषा में कह सकते हैं। तब यहाँ है हम दर्पण, तो दर्पण हिंदी में बोलते हैं, बच्चों को जहाँ हम पढ़ाते हैं वहाँ बच्चों को आईना कह के हम समझाते हैं। घटा, घटा घड़ा बोलते हैं और उसका जो क्षेत्रीय भाषा होता है बच्चा घैला बोलता है, घड़ा बोलता है, हम उसको समझाते हैं। खटवा होता है उसको खटिया कह के समझाते हैं, या उनकी जो बोल चाल की भाषा होती है, यहाँ हमारे यहाँ मगही चलती है तो मगही में जो बोला जाता है उस तरह से हम बच्चों को समझाते हैं। उसमें विस्तृता बड़ा, प्रज्वलिता जलती है, प्रज्वलती जलती है, तो इस तरह से जो उनका आता है। अश्व घोड़ा, अजा बकरी, यहाँ हमारे हम बकरी भी बोलते हैं, जिस जहाँ हम पढ़ाने जाते हैं, जिस जहाँ मेरा विद्यालय है वहाँ बकरी बोला जाता है, उष्ट्र ऊंट बोला जाता है, कछुआ, कुकुरा कुत्ता, पक्षी में मोर, कोकिला कोयल, कपोता कबूतर, तो बच्चों को उसकी भाषा में हम समझाएंगे। अब आते हैं इसका अधिगम प्रतिफल में, तो सरल वाक्यों को बोलना, तो सरल इतना तो सरल है, ऐसा खटवा अस्ति, ऐसा का अस्ति, ऐसा खटवा अस्ति, कम्बलम उष्णम भवति, घटा पूर्ण अस्ति, पर्यंका विस्तृता अस्ति, अयम दर्पण अस्ति, वर्तिका प्रज्वलिता अस्ति। अब है विसर्ग का सही उच्चारण करवाना, विसर्ग का उच्चारण आधा ह होता है, यहाँ घटा पूर्ण पर्यंका विस्तृता पश्व अश्व अज उष्ट्र कच्छप, इस उच्चारण हम करेंगे वो सुनेंगे, क्योंकि कोई भी भाषा सीखने के लिए चार जो उनका होता है सर्वोपल्ली, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। तो बच्चे अभी प्रारंभिक स्टेज में है तो प्रारंभिक में सबसे पहले उनको सुनना होता है, तो इसको सही तरीके से सुनेंगे तभी सही तरीके से उच्चारण कर सकेंगे। सरल वाक्यों का अर्थ मातृभाषा में जानना, तो सरल वाक्यों का मातृभाषा में वो खुद ही कर देते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं और बच्चे वो अपने भाषा में उसको अनुवाद कर देते हैं, बोलते हैं। पर्यंका, तो बोलता है पलंगवा, पलंग हम लोग पलंग बोलते हैं, लेकिन वो लोग अपना मातृभाषा में उस तरह से बात करते हैं। वर्तिका मोमबत्ती, तो यहाँ का चलन हम अभी मोमबत्तिया इस तरह से करके बच्चे बोलते हैं। अब है पांच पांच वाक्यों को प्रतिदिन पढ़वाएंगे तथा लिखवाएंगे, पांच पांच वाक्य, केवल पांच वाक्य, तो बच्चे आसानी से सीखेंगे। वाक्यों को अर्थ दूसरी भाषा में बताएंगे, जैसे ऐसा खटवास्ती, यह खटिया है, यह खटिया है, देखो यह खटिया है, घटा पूर्णास्ती, घड़ा क्या है भरा हुआ है, घड़ा क्या है भरा हुआ है, पर्यंका विस्तृता अस्ती, पलंग कैसा है, पलंग बड़ा है, अयम दर्पण अस्ती, यह दर्पण है, यह आयना है, यह क्या चीज है, यह आयना है, वर्तिका प्रज्वलिता अस्ती, मोमबत्ती क्या हो रही है, मोमबत्ती जल रही है, तो इस तरह से यहाँ हम आएंगे। आगे है पाठ्य पुस्तक में शब्द परिचय के अंतर्गत विद्यमान पुलिलिंग स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग शब्दों को समझ सकते हैं। तो पुलिलिंग घटा पर्यंका दर्पण, स्त्रीलिंग खटवा वर्तिका अजा कोकिला, इस तरह से हम इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द आया है उसको बोलेंगे, नपुंसक लिंग में उष्णम मंदम कम
पुल्लिंगम बलम। तो जो नपुंसक लिंग शब्द है उसको यहाँ समझाएंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। हिंदी में जो नपुंसक लिंग होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है, कुछ लिविंग थिंग्स भी और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी नपुंसक लिंग में आते हैं, इसका प्रयोग होता है। यहाँ हमको थोड़ा सा जानना है वाक्यों को शुद्ध शुद्ध लिखना, जो वाक्य है बच्चों को शुद्ध शुद्ध लिखना सिखवाएंगे। शब्दार्थ जानना, तो ऐसा, ऐसा मतलब यह, दिस दिस और दैट करके हम उसको समझाते हैं। ऐसा, ऐसा खटवास्ती, यह खटिया है। कम्बलम उष्णम भवति, कम्बल गर्म होता है। घटा पूर्णा अस्ति, तो शब्दार्थ घड़ा भरा हुआ है हर चीज का। ऐसा मने यह, खटवा मने खटिया, अस्ति मने है, कम्बलम मने कम्बलम, उष्ण मने गर्म, भवति मतलब होता है, घटा मने घड़ा, पूर्णा मने भरा हुआ, अस्ति मतलब है, पर्यंका मतलब पलंग, विस्तृत मतलब बड़ा, अस्ति मतलब है, अयम मतलब यह, दर्पणा मतलब आयना, अस्ति मतलब है, वर्तिका मोमबत्ती, प्रज्वलिता जलती है, अस्ति मतलब है, पशव, तो पशव बहुवचने, अश्व धावती, अश्व मने घोड़ा, धावती मने दौड़ता है, अजा मने बकरी, चरती मने चरता है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे वाक्यों को, शब्दार्थों को बार बार दोहराने से बच्चे को प्रेरित करेंगे। तो मैं अभी आधा वीडियो ही लेकर के इसमें हाजिर हूँ, आधा वीडियो मैं दूसरे आधा इसका आधा पार्ट का पढ़ा चुकी हूँ, और आधा जो बचा हुआ है मैं दूसरे वीडियो में इसको पुनः प्रसारित करूंगी, वीडियो बना करके डालूंगी। तो आज के लिए इतना ही, नमो नमः।